अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। इस नाते से मुझे लगा कि देवास के लोग जो लगातार आपके कामों के माध्यम से सरकार का प्रयत्न कर रहे उसमें मुझे सहयोग होना था, इसलिए उनके सहयोग होने के नाते आज मैं उपस्थित हुआ। इसके कानूनी पहलुओं पर यदि आपको किसी कोई बात करना हो तो हमारे नवीन भाई इस बात को आप तक स्पष्ट करके आपको पहुंचाने के प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वालेकुम शुक्रिया। तो आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देवास की जो पढ़ाई हो रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए क्या यह महत्वपूर्ण जमीन ट्रस्ट के माध्यम से इन कामों में लगाई जा सकती है, इस पर विचार करने के लिए हमने आप सब लोगों के साथ ये बात शेयर करने का ये प्रस्ताव रखा। दूसरी बात, देवास में और आज हम लोग जुलाई में बैठे, करीबन 10 महीने का समय होने आया है, 8 महीने का समय आने हो गया, होने को आ गया, पर प्रशासन आज भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता, ना तो नया ट्रस्टी बना रहा। अगर कोई नया ट्रस्टी बनाता उसमें तो वो नया ट्रस्टी इंटरेस्ट लेता, उसके लिए जो भी न्यायालय कार्रवाई करनी होती वो न्यायालय कार्रवाई करता, कागजी कार्रवाई करता। तो प्रशासन का इनडायरेक्टली अभी भी ये सहयोग है कि धनपति बाहुबली जो वहाँ विराजमान है, जो भ्रष्टाचार करके वो बिक्री भूमि है, तो कहीं से भी उनको कहीं से कोई लाभ मिल जाए, किसी न्यायालय से कोई उनको स्टे मिल जाए, किसी प्रकार का भी लाभ मिल जाए, पर अभी तक किसी भी न्यायालय से उनको कोई भी रिलीफ किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं हो पाया है। केस में फैसला आया था, वही सिंगल बेंच में गए थे और वही डबल बेंच में गए थे, और ये जो कार्रवाई नहीं हो रही, जैसे आज की तारीख में जो कि हम उसमें पिटिशनर नहीं है तो कोर्ट हमको डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करेगी, इसीलिए इस संबंध में हमने कलेक्टर को एसडीएम को लिखित आवेदन दिया कि साहब ये जो कार्रवाइयां हैं ये हो गई हैं और आपके द्वारा ये जो कोर्ट का है उनका निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो कल से हम इसके लिए कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। अगर ये प्रशासन आपके माध्यम से भी, हमने हमारे माध्यम से भी बात रखी है, आपके माध्यम से भी ये जब बात जाएगी और उसके बाद भी प्रशासन ये कार्रवाई नहीं करेगा तो इसमें कोर्ट का घंटा कोर्ट की कार्रवाई बनती है तो हम वो भी करेंगे और जो भी न्यायालय कार्रवाई इसमें बनेगी वो हम करेंगे। और अभी क्या है कि सीमांकन, क्योंकि एक्चुअली 25 बीघा जमीन है टोटल, तो जब तक सीमांकन नहीं होगा तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी कितनी जमीन बची हुई है खाली और कितनी जमीन ऑक्यूपाइड है, तो क्योंकि वो दिख चुकी है, अलग अलग खतरे हो गई है, पटाखा हो गया, अगर ये 2 मिनट आप ये राकेश कुमार अग्रवाल जी है, इंडिविजुअल उनके बेटे अनिल कुमार अग्रवाल, अजय कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल इंडिविजुअल है, उसके अलावा शिव शक्ति लेन के तरफ से मोहम्मद से राकेश कुमार अग्रवाल जी है, राजेश कुमार जमीनी जी है, उसके अलावा रावल दास राजानी जी है, कैलाश है मनोज राजानी जी है, और कैलाश राजानी जी है, उसके अलावा आपके हिंदु चंद्रानी जी है, पीतम्बरा दास विश्वामी जी है, और एक इसमें प्रेस्टीज कॉलेज है, प्रेस्टीज कॉलेज जो है वो संस्था की तरफ से गए हैं, एक वो है जो मेनली इसमें नाम आए, और उसके अलावा जो इसमें और नहीं है उसका मैक्सिमम जो जमीन है वो इनके पास आ गई। ये हो सकता है ये अभी ज्यादा मालूम हमको नहीं, ये क्योंकि चूंकि मामला न्यायालय करके इन्होंने इस बात को डिले किया है तो कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न होता है। जी कुछ चीजें तो सीख जाती है, अरे देवास में एक चैनल छूट नहीं हो, न्यायालय तो है, इसमें बिल्कुल संदेह जाता है कि प्रशासन जानबूझ के डिले कर रहा है चीजों को एग्जीक्यूट करने में, न्यायालय के आदेश को, ताकि ना कोई लाभ मिल जाए। अभी हम उसमें पिटिशनर नहीं थे, हम उसमें पार्टी नहीं थे, इसलिए तत्कालीन ट्रस्टी था जो तत्कालीन संपत्ति को ना तो बेच सकेगा ना ही खरीद सकेगा, फिर उसके बाद जब 2012 में पिटीशन दायर करेंगे तो उसका निराकरण 2017 में हुआ, उसके उपरांत ये जब अभी आप इसमें देखेंगे कि जितने भी पक्षकार थे विधिक पक्षकार वो कोई भी पिटीशन लाने नहीं गया, तो कहीं ना कहीं आपस में सभी अधिकारियों की मिलजुल थी, इसमें जो क्रेता विक्रेता थे, जो उसमें ट्रस्टी थे, वो सब आपस में मिले हुए थे। उसके बाद 2017 के बाद जब उनकी पिटीशन खारिज हुई, उसके बाद 2017 से लेकर 2018 के बीच जितने भी पक्षकार थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हमारे काम हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया, तब अलग अलग जितने पक्षकार थे जिन्होंने उस भूमि को क्रय किया था उन सभी ने पिटीशन दायर करी, इसमें जो अपने यहाँ के प्रशासन है उसमें 500 दिनों बाद जो ऑर्डर आया उसके टोटल 1.5 साल बाद 2017 में जो ऑर्डर आया 500 दिन के डिले से वो एप्लीकेशन फाइल की, अगर प्रशासन को लगा था या स्थानीय प्रशासन को लगा था तो उसको तत्काल इसका निर्देश करना था कि साहब इसको शासन की भूमि माना जाए, जो भी नियम होता उनको योग्य लग रहा था कि भूमि वापस आनी चाहिए। कोर्ट ने नाम सारे नाम 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 न
आपको सारी पार्टियों के नाम आ जाएंगे। आप एक एक करके बोल दो ना, नाम नाम बोल दो आप एक एक करके नाम। कोर्ट कर दिया, कोर्ट में आदेश के बाद हुआ है। क्या चीज कोर्ट के बाद हुआ है? ना कोर्ट ने आदेश दे दिया, एटीएम ने उसके बाद कर दिया। नहीं, इसमें ऐसा है कि ये संपत्ति ट्रस्ट में एक व्यक्ति था, सिंगल एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश में लगाया हमने। जो वर्तमान में यहाँ पर जो अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर बात करते हैं। देवास शहर बड़ी तेजी से भारत के बंदिश में उभरा था, 90 के बाद ये कमजोर होता गया। एक तरफ एक समय ये था कि दुनिया के लोग यहाँ रोजगार पाने आते थे, आज हम रोजगार लेने के लिए बाहर जाना पड़ता। ऐसे दृष्टिकोण में हमने सोचा कि क्या यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं शासकीय क्षेत्र में। लेकिन उनके लिए हमने देखा कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला तो वो राजौंदा पंचायत की जमीन पे खुला, शासकीय साइंस कॉलेज खुला तो वो एक पंचायत की जमीन पे खुला। तो ऐसे दृष्टिकोण में क्या हमारे पास कुछ ज़मीनें हैं जो देवास के भले के लिए काम आ सकती हैं? हमारे कुछ नौजवानों ने इस चीज़ को इकट्ठा किया। 2005 में एक फैसला हुआ जिसमें जवेरी मंदिर के नाम से 25 बीघा जमीन जो ट्रस्ट को सौंपी गई थी तत्कालीन राजा महाराजा द्वारा 1932 में, जिससे राम मंदिर का उन्नयन उसको आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था दी गई थी, उस जमीन को एक ट्रस्ट के द्वारा वाले वाले बेच दी गई और ऐसे लोगों को बेची गई जो कहीं ना कहीं साधन संपन्न थे, अपने आप में मजबूत थे। 2002 में ही एक ट्रस्टी जो उस वक्त थे मौजूद तत्कालीन, वो गए कोर्ट में और उन्होंने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई कि ये जमीन बेची नहीं जा सकती। 2005 में फैसला आया कि जमीन वापस ट्रस्ट को दी जाए और ट्रस्ट के सुपुर्द की। 2005 से लेकर 2012 तक इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की, ये तक कि इसको सरकारी करने की बात उठी तो सरकारी करने के लिए एसडीएम ने लिखा कि हमें कोर्ट ने ताकीद दी है हम इसको सरकारी नहीं करते। इसके बाद जिन लोगों को जमीन अलाट के गई थी वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने ये फैसला अभी 23 में दे दिया हाई कोर्ट, ये जमीन ट्रस्ट के पास रहेगी, ट्रस्ट की है ट्रस्ट के पास ही रहेगी और जिन लोगों का कब्जा उनको बेदखल किया जाए। जो शासन में नुमाइंदे बैठे हैं जनप्रतिनिधि उनको देवास का हित चाहिए पहले, तो उन लोगों से जमीन को बेदखल करवाए क्योंकि वहाँ जो स्थापित है वो देवास के हित के लिए नहीं उनके स्वहित के लिए। राम जी का इतना बड़ा मंदिर का निर्माण, इतना राममय माहौल और आज तो हनुमान जी की जयंती, ऐसे दिवस में हमारा तो आपके माध्यम से यही बात रखने का प्रयास है कि हम देवास की कीमती जमीन जो देवास वासियों के लिए तत्कालीन जूनियर हमारे राजा ने राम मंदिर को दी थी वो राम मंदिर ट्रस्ट को मिले, इसके लिए हम सब लोग मिलकर आज यहाँ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर आगामी समय में जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है या जो भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राजनीतिक दलों के माध्यम से सामाजिक संगठनों के माध्यम से कार्रवाई होती वो कार्रवाई हम करने का प्रयास करें। देखिए देवास के मामले में मैं पहले भी कहता आया हूँ कि देवास की जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी ने रवैये को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। मैं 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। यहाँ पर बैंक नोट पे इसके नाम से देवास जाना जाता है। अभी मैं त्र्यंबकेश्वर में गया तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए, मैंने फट से जेब से नोट निकाल के बताया कि ये जो नोट छपता है ना हम वहाँ से आए। तो देवास हमारे लिए गौरव का विषय था कि बैंक नोट पे बैंक नोट के पास टाटा किलोस्कर और आपके गैब्रियल रेन मैक्सी जैसी ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ यहाँ आई। लेकिन 90 के बाद हम देखें कि देवास औद्योगिक परिदृश्य से पीछे होता गया, या फैक्ट्रियाँ यहाँ से उठती गई और अन्यत्र चले चली गई। बैंक नोट पेस्ट का भी जो विस्तार होना था वो यहाँ नहीं हुआ, वो हरिद्वार पता नहीं कहाँ हुआ। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमें लगा कि देवास में इस प्रकार की होना चाहिए। लेकिन आज आपने मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आगे क्या रहेगा आपका? मैंने बताया ना हम सामाजिक संगठनों से मिलेंगे, देवास के जागरूक नागरिकों से मिलेंगे, राजनीतिक दलों को भी चेताने का प्रयास करेंगे कि आप भी चेतिए, आप देवास को जो विकास चाहिए उस विकास के लिए लामबंद हो। जैसे इंदौर जैसा शहर, भोपाल जैसा शहर कहने कहीं विकास के नाम पे लामबंद हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बटे हुए और उसका दुष्परिणाम देवास की जनता को या देवास की आगामी पीढ़ी को नहीं भुगतना देना चाहिए। इसलिए हम सब लोग एक होकर इस चीज़ को लड़ें। धन्यवाद।